नशे ने हमारे पंजाब को खत्म किया। अभी धीरे धीरे ये नशा हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ सब डिवीजन हीरानगर में फैल गया और हमारे आने वाले युवाओं को बर्बाद कर रहा है। ये हमारे युवा ही नहीं, जो युवा नशा करता है उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और आज मैं यहाँ पे आए हुए सभी युवाओं का फिर से शुक्रिया करता हूँ जो इतनी धूप में रैली तक से बाइक रैली निकाली है नशे के विरुद्ध, लोगों को जागरूक करने के लिए, नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले दिनों में हम ये रैलियाँ गांव गांव में जाके निकालेंगे और लोगों को नशे के प्रति जागरूक करेंगे। और मैं प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे गाँव में नशे का व्यापार कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़े, यही तो ये प्रशासन के लिए भी बहुत बुरा होगा। और आज हमने जे नशे के खिलाफ बाइक रैली निकाली है, जे जो हमारी बाइक रैली दयाली चक से स्टार्ट हुई और हीरानगर एसडीएम ऑफिस के बाहर ख़त्म हुई और हमने वहाँ पे एसडीएम साहब को मेमोरेंडम देना था। एसडीएम साहब और तहसीलदार ना होने की वजह से हमने नायब तहसीलदार जी को ये मेमोरेंडम दिया और हमने ये रैली नौजवानों को जागरूक करने के लिए निकाली है, क्योंकि पहले जो पंजाब में बहुत सारा नशा फैला हुआ था अभी वो भी वाला नशा सारा हमारा जे एंड के में शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट जिसमें एसडीएम हीरानगर सब डिवीज़न हीरानगर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि हमारे बहुत से युवा जो अभी नशे के कगार में पहुंच गए हैं, क्योंकि नशे के कारण एक युवा खुद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता, उसके कारण उनके पूरी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और इसी के रिगार्डिंग आज हमने लोगों को जागरूक करने के लिए, नशे के प्रति जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली है और बाद में हम ये गाँव में जाके युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करेंगे और इसके क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में जागरूक करेंगे। और आज हम जे प्रशासन को भी ये बताना चाहते हैं कि जो भी जे नशे के सौदागर हैं इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इनको जेलों के अंदर में ठूसा जाए ताकि हमारे नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो सके। जय हिंद।